मेरे चैनल की हर एक वीडियो की अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब्सक्राइब जो ऑप्शन है लाल रंग का, ये बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। उसके साथ साथ ये जो बेल का आइकॉन दिख रहा है इसको भी प्रेस कीजिएगा, तो आपको मेरी पब्लिश किए हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, मेरा चैनल सरकारी नौकरी खबर में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप कैसे अपने मोबाइल से या पीसी से या लैपटॉप से आपका कोई भी डुप्लीकेट फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई भी फाइल अपने मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो, सेव कर लिया है, कोई कुछ भी काम करने के बाद उसका डुप्लीकेट कॉपी बन गया है, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले तो आप इतना सारा डुप्लीकेट फाइल अगर जमा हो जाए तो आपको ओरिजिनल फाइल खोजने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है स्टोरेज, जो है स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, इसलिए जो पीसी है मोबाइल है वो हैंग होता रहता है हर वक्त। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप ये अपना जितना भी डुप्लीकेट फाइल हो उसको देख कर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, इसके लिए आप एक बहुत आसान तरीका, इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये ऐप से आप अपना डुप्लीकेट फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको जो प्ले स्टोर अकाउंट है उसमें जाना होगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च ऑप्शन में सर्च करना होगा डिलीट डुप्लीकेट फाइल्स या सर्च डुप्लीकेट फाइल्स, जो भी लिख के आपको सर्च करना होगा। तो सर्च करने के बाद आपके पास एक बहुत सारा ऐप का नाम आ जाएगा, लेकिन देखिएगा सर्च डुप्लीकेट फाइल, ये जो मैग्नीफाइड ग्लास का जो सिंबल है दो पेपर के ऊपर, यही ओरिजिनल ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप इस इधर इंस्टॉल ऑप्शन में है क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर देंगे। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मुझे ओपन दिखा रहा है। तो इसको अगर ओपन करते हैं तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, आप जब ये ऐप ओपन हो जाता है देखिएगा पूरा नीचे एक सर्च का ऑप्शन है, मतलब एक सर्च बटन है, तो उसको सर्च बटन में आपको क्लिक करना होगा। तो सर्च बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो है एनालाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके मोबाइल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके ये एनालाइज होगा, कितना समय लगेगा ये एनालाइज होगा। तो जब अगर ये एनालाइज हो जाएगा तब आपको दिखा देगा कि आपके जो है मतलब कितना आपका जो डुप्लीकेट फाइल है। तो इसके लिए मेरा मोबाइल कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी वो पूरा सर्च करके पूरा डुप्लीकेट फाइल आपको दिखा देगा, तो कैसे दिखाएगा, कई ग्रुप में डिवाइड करेगा वो डुप्लीकेट फाइल, डिवाइड करके वो आपके पास दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी ग्रुप को आपको क्लिक करना है और उसमें से आपकी कोई जो कोई भी फाइल हो तो उसको दो दो ऑप्शन दिखाएगा, मतलब एक डुप्लीकेट फाइल दिखाएगा, ओरिजिनल फाइल दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अगर कुछ जितने भी फाइल हो आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको उस फाइल के ऊपर थोड़ा क्लिक कर लीजिए कुछ देर क्लिक करने से पहले, सॉरी क्लिक करने के बाद, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो डिलीट ऑप्शन के जो है डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करने से डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसे ग्रुप थोड़ा ग्रुप जो है ग्रुप डिवाइड करके आया है, तो इसमें मैंने क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये दो फाइल दिखा रहा है, ओरिजिनल फाइल दिखा रहा है, डुप्लीकेट फाइल दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डुप्लीकेट फाइल को डिलीट करूँ, तो ये थोड़ा क्लिक करने के बाद मेरे पास ये डिलीट ऑप्शन आ गया। तो डिलीट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने मोबाइल से कोई भी डुप्लीकेट फाइल को बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर ये चैनल को आप पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है वह मैंने वीडियो के पहले दिखा दिया है, और भी बहुत सारा वीडियो है मेरा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसका आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।